उठ रही है दिल में उमंग श्री राम जन्मभूमि आने की, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं प्रभु, आप ही व्यवस्था करो अयोध्या बुलाने की। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो अयोध्या मंदिर पर है और वहाँ से जुड़ी कुछ जानकारियाँ हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी अयोध्या में राम मंदिर जो है उसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा। तो यहाँ इस मंदिर से जुड़ी कई सारी जानकारियाँ हैं जो कि मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, जिसमें कि यह है कि राम मंदिर से पहले यहाँ पर क्या था और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब हुआ, और इसके अलावा कि अयोध्या का असली नाम क्या था, अयोध्या का इतिहास क्या है। तो ये सारी जानकारियाँ जो कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के इतिहास के बारे में। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि अयोध्या के 64वें राजा थे प्रभु श्री राम जी, और उसी समय सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण भी हुआ था और प्राचीन भारत के कौशल देश के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की राजधानी भी अयोध्या ही थी। इसके बाद त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतरण हुआ और उनके रामराज की परिकल्पना आज भी की जाती है। अब आइए बात करते हैं अयोध्या के असली नाम के बारे में। तो वैसे तो हम सब लोग अयोध्या को अयोध्या के नाम से ही जानते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अवध के नाम से जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसे अवध और ओड के नाम से भी जाना जाता था जब अंग्रेज लोग रहते थे, तो अवध को ओड के नाम से भी बुलाते थे। और रामायण में अयोध्या को प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बताया गया है, इसीलिए इसे कौशल भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, राम मंदिर का दूसरा नाम, इसके कई नाम, जैसे कि भगवान जी के तो कई नाम होते हैं, तो उनके कई नाम के आधार पर वहाँ का जो मंदिर है श्री राम जन्मभूमि का, तो उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पहले कि हम लोग तो राम मंदिर जानते हैं, इसके अलावा इसका दूसरा नाम है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, और इसके अलावा कई सारे उपनाम भी हैं जैसे कि श्री राम जी मंदिर, अयोध्या मंदिर और राम जन्म स्थल मंदिर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को करोड़ों राम भक्तों की मुराद जो है वो पूरी होने जा रही है, और उस दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और लेकिन फ्रेंड्स, बता देती हूँ कि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था वो 9 नवंबर 1989 को हुआ था। और फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर की ऊँचाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि मंदिर जो है वो 250 फीट चौड़ा है और 380 फीट लंबा है और 161 फीट ऊंचा है। और कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा, और इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो कि एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है और जो कि मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताने जा रही हूँ कि इस मंदिर में जो घंटा लगा है वो कितने किलो का है। तो फ्रेंड्स, बता देती हूँ, इस मंदिर में जो घंटा लगा है वो 21,000 किलो का लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, राजा राम की अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने ही खोजा, लेकिन बाद में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसके बाद से यहाँ पर मुगल सेना नमाज अदा करने लगी। फिर राजस्थान के राजा ने मस्जिद के बगल में राम चबूतरे का निर्माण करवाया। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्म स्थान माना जाता है। पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त करा दिया गया। और फ्रेंड्स, एक अहम जानकारी कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया अपने राम मंदिर के हक में। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब जानकारियों के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम दूंगी।
मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।